तो आज के टाइम पे हम लोग सभी यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं, पर आप लोग सोचिए ऐसा अगर आपके साथ हो कि आपने यहाँ पे किसी दूसरे के नंबर पे गलती से आपका जो पैसा है वो यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भेज दिया, तब आप लोग क्या करोगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है, एनपीसीआई का एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोग इसका कंप्लेन कर सकते हो और एनपीसीआई आपका जो पैसा है आपके पास लौटाने में आपकी मदद करेगा। तो वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने गूगल के सर्च पे जाना है, वहाँ पे जाके एनपीसीआई टाइप करना है। एनपीसीआई टाइप करने के बाद आपके सामने एनपीसीआई का जो वेबसाइट है उसका लिंक आएगा सर्च पे, तो वहाँ पे आपको गेट इन टच का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपका गेट इन टच का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। अगर समझिए कि आपका पेज यहाँ पे बीच में खुलता है तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाना है, तो ऊपर में आपको कंप्लेन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको यूपीआई कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग उसको सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको पास में एक प्लस आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कंप्लेन करने का पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फॉरवर्ड करने। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन था वो आपका किस टाइप का ट्रांजेक्शन था, जैसे कि आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया है या फिर किसी दुकानदार को दिया, वो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो समझिए कि मैंने किसी पर्सन को दिया है, तो मैंने पर्सन टू पर्सन को सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इश्यू सिलेक्शन करना है, इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये वाला ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद कमेंट पे जाना है, कमेंट पे जाके आप लोग यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे टाइप करोगे, मतलब जो भी आपके साथ हुआ है वो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, वो आप लोग हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, आप लोग उसको यहाँ पे टाइप कर दो। टाइप करने के बाद आपको उस ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। ट्रांजेक्शन आईडी आपको जब आप लोग कभी भी कोई पेमेंट करते हो तो उस एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, वहां पर जाके आप लोग उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे फोन पे एप्लीकेशन इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको कोई भी हिस्ट्री दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करते ही मेरा जो ट्रांजेक्शन का पेज है वो यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिख जाएंगे, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आपका जो बैंक है वो सिलेक्शन करना है, आपको यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्शन करना है, मतलब कि आपने किस बैंक से ट्रांजेक्शन किया था, वो आप लोग कोई भी बैंक यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद आपको आपका खुद का यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा, तो यूपीआई आईडी अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे दोबारा से फोन पे एप्लीकेशन पे जाओ, होम पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको बीच में आपका यूपीआई आईडी दिख जाएगा, या फिर आप लोग अपने प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करो और वहाँ पे आपको नीचे क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग उस पे क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे नीचे आपको आपका जो यूपीआई आईडी होता है, मतलब कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो आपको मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कितना अमाउंट आपने यहाँ पे पे किया था वो अमाउंट डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन डेट जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, आपको वही ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे सिलेक्शन करना है जिस दिन आपने ये पेमेंट किया था। इसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आप लोग वही डालेगा जो कि आपके उस यूपीआई एड्रेस के साथ रजिस्टर हो या फिर बैंक में रजिस्टर हो। और फाइनली आपको यहाँ पे आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग अपने बैंक के वेबसाइट से जो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है वहाँ से, या फिर आपके पास अगर अपने बैंक का कोई एप्लीकेशन होगा तो वहाँ से आप लोग अपने स्टेटमेंट का एक जेपीजी फॉर्मेट वहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, या फिर पीडीएफ होगा तो भी चलेगा, पर ध्यान रखिएगा जो भी आप लोग डाउनलोड करो वो 2 MB के नीचे होना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दोगे और उसको यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एक टिकट आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, इसको आपको संभाल के रखना है ताकि बाद में आप लोग अपना जो कंप्लेन है उसको ट्रैक कर पाओ। और दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन के अलावा भी यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है आपके अकाउंट से रिलेटेड, या फिर आप लोग यहाँ पे SMS के आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लॉगिन पे आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो बाद में अगर आपको आपके कंप्लेन को ट्रैक करना है, मतलब कि आपने कंप्लेन किया और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लोग इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो नीचे अदर का ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हैव ए कंप्लेन और रेफरेंस नंबर, तो ये वाला जो रेफरेंस नंबर है आपको वहाँ पे मिल गया था, तो इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और आपको आपका जो प्रॉब्लम है दोबारा से यहाँ पे टाइप करके सारी चीजों को यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप लोग जितनी जल्दी कंप्लेन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, तो अगर आप लोग ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो तो तुरंत ही जाके आप लोग इस वेबसाइट पे आके कंप्लेन कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।